नमस्ते, मैं डॉक्टर ओपी शर्मा हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से। दोस्तों, सर्दी की शुरुआत हो गई। सर्दी के साथ साथ कुछ परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में जहाँ की पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वहाँ सूरज की किरणों की और कमी हो जाती है। इन सब चीज़ों से जो सस्पेंडेड पार्टिकल बढ़े रहते हैं, बुज़ुर्ग लोगों को विशेषकर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्दी के मौसम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे जुखाम खांसी होना एक आम बात है। सर्दी के दिन में यदि बासी खाना खाया जाए तो पेट खराब होना भी एक आम बात है। तो हम सबको सलाह देते हैं, सर्दी के दिनों में सुबह उठ के जो आपका घूमना या व्यायाम है वो तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि सूरज अच्छी तरह ना निकल जाए। सुबह जल्दी उठ के घूमना अच्छी बात है, लेकिन सर्दियों में जब पॉल्यूशन भी हो और सूरज पूरा न निकला हो तो बहुत सुबह जल्दी घूमने जाना हानिकारक होता है। हम बुज़ुर्गों को सलाह देते हैं कि सर्दी में जब धूप अच्छी निकल जाए तो दिल्ली में उनको चाहिए कि सुबह 10 से लेकर 2:30 बजे के बीच में कम से कम आधा घंटा धूप में बैठें। आधा घंटा धूप में बैठने से उनके शरीर के अंदर विटामिन डी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और विटामिन डी आपके मसल्स, आपकी बोन्स यानी मांसपेशियां और हड्डियां दोनों के लिए अच्छा होता है। सूर्य उत्साहवर्धक होता है और डिप्रेशन भी कम आता है। सूरज में बैठ के लंबा सांस लेने का व्यायाम करना अच्छा रहता है और फेफड़े मजबूत होते हैं। सर्दी के मौसम में यदि किसी अन्य व्यक्ति को जुखाम खांसी है तो उससे कम से कम 2 फीट की दूरी पर रहिए। सर्दी में आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे कि आपको पूरे विटामिन्स मिले, पूरे प्रोटीन्स मिले। तो हम सलाह देते हैं कि ताज़ी सब्जियां और फलों का सेवन खूब प्रचुरता से करें और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते रहें। सांस के लिए लंबा सांस लेने वाला व्यायाम करें जिससे कि आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे और आपको सर्दी जुखाम नहीं होगा। इस मौसम में आपको यदि आपने वैक्सीन्स नहीं लिए हुए हैं तो जो रेस्पिरेटरी वैक्सीन्स हैं उनके लिए डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। शुभकामनाएं।